डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसे ऑफ वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस का एसे जो है तो हम अपने इस टॉपिक में राइट करना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सभी क्लासेस या कि हम बात करें तो अधिकांश क्लास फाइव से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक की बात करें तो वंडर ऑफ साइंस दिया ही जाता है, जिसमें हायर्स कंडी के बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाता है, जो कि 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का जो है तो दिया जाता है। यदि पहले की बात करें, जब इंग्लिश 50 मार्क्स की आती थी, उस टाइम पे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लॉन्ग टाइप में राइट किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जबकि इंग्लिश 100 मार्क्स की हो गई है तो वंडर ऑफ साइंस के अलावा जो है तो हमें और भी कई सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए हमें अब वंडर ऑफ साइंस के ऐसे को शॉर्ट तरीके से विथ आउटलाइन के साथ राइट करना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे मार्क भी मिल सकें और हमारा समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वंडर ऑफ साइंस का ऐसे राइट करना सीखते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं ऐसे ऑफ वंडर्स ऑफ साइंस। ये जो है तो कई तरीके से आ सकता है, बट हमें ये जान लेना है कि अगर साइंस रिलेटेड कहीं भी वर्ड्स आया है तो हमें वंडर ऑफ साइंस का ऐसे ही राइट करना है। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम आउटलाइन राइट कर लेते हैं। आउटलाइन लिखने का अपना ही फायदा होता है, क्योंकि यदि हम आउटलाइन राइट कर लेते हैं तो जो हमें हेडिंग राइट करनी होती है वो हमें भूलती नहीं है। नहीं तो यदि आउटलाइन हम नहीं लिखते तो कभी कभार क्या हो जाता है कि हम हेडिंग ही राइट करना भूल जाते हैं और ऐसे अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। सो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप आउटलाइन ज़रूर राइट करें, इससे जो है तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर में इंट्रोडक्शन हेडिंग में डालेंगे इंट्रोडक्शन। सो हम आउटलाइन में फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन राइट कर दिए। दूसरा जो है तो यहाँ आपका टॉपिक हो जाएगा साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस। थर्ड टॉपिक हो जाएगा यहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका कंप्यूटर्स। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स पॉइंट हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी। और लास्ट जो कि 7 पॉइंट है, ये हो जाएगा कंक्लूजन। तो ये आपकी आउटलाइन जो है तो कंप्लीट हो गई। देखिए आउटलाइन लिखने में जो एसे ऑफ वंडर ऑफ साइंस है तो अट्रैक्टिव ही दिख रहा है और थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है, इसलिए आप आउटलाइन ज़रूर राइट करें। तो सबसे पहले देखिए
हम यहाँ इंट्रोडक्शन राइट करेंगे आउटलाइन के बेस पे। तो यहाँ हम फर्स्ट नंबर फिर से डालेंगे और यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप राइट करेंगे इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। आप यहाँ तक इंट्रोडक्शन राइट कर दीजिए। इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज इन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। इसके आगे और भी होता है, बट आपको मैंने बताया कि आप शॉर्ट तरीके से जो है तो राइट करिए, आपको बराबर नंबर मिलेगा। तो आप इंट्रोडक्शन राइट कर दिए। इसके बाद आप यहाँ सेकेंड नंबर राइट कर दीजिए, साइंटिफिक, साइंटिफिक इन इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस। यहां से राइट करेंगे साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड, इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स, सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स, मशीन्स बिग एंड स्मॉल थ्रू राइट करेंगे साइंटिस्ट्स हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स, वेरी सिंपल इवेंट्स। इस तरह आप इसे राइट कर दीजिए, साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिस्ट्स हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। तो आप इसे राइट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे राइट कर लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है तो और बताते हैं। अब है थर्ड पॉइंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। यहाँ से राइट करेंगे बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। तो मैंने इसे ऐसे राइट किया
बसेस कार्स ट्रेन्स शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस साइंस। इसके बाद आपका 4 पॉइंट हो जाएगा कंप्यूटर्स, तो इसको आप यहाँ राइट कर दीजिए कंप्यूटर्स, यहाँ राइट कर दीजिए कंप्यूटर्स आर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस इन्वेंशन ऑफ साइंस यहां से राइट करेंगे देयर आर हेल्पिंग हेल्पिंग यहाँ से हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर्स आर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस दे आर हेल्पिंग लॉट इन सेवरल कैलकुलेशन फील्ड। अब फिफ्थ पॉइंट राइट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से राइट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी हैज मेड द डेली लाइफ ऑफ द कॉमन मैन ऐसे से राइट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी हैज मेड द डेली लाइफ ऑफ द कॉमन मैन यहाँ से राइट करेंगे इट हैज ईज्ड ईज्ड एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इस तरह से राइट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी हैज मेड द डेली लाइफ ऑफ द कॉमन मैन इट हैज ईज्ड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसका 6 पॉइंट राइट करेंगे एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा के बारे में एनर्जी यहाँ से राइट करेंगे विथ द डिस्कवरी विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी इट कैन मीट इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इस तरह आप इसे राइट कर देंगे एटॉमिक एनर्जी को विथ द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको सबसे लास्ट टॉपिक कंक्लूजन जो है तो राइट कराता हूँ। अब है सबसे लास्ट पॉइंट कंक्लूजन कंक्लूजन यहाँ से राइट करेंगे साइंस इज अ ग्रेट
हेल्पर टू मॉडर्न मॉडर्न मैन। यहाँ से राइट करेंगे इफ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक हेल्दियर एंड हैप्पियर। इस तरह आप इसे राइट कर देंगे कंक्लूजन को। साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, इफ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक हेल्दियर एंड हैप्पियर। कंक्लूजन एक ऐसा पॉइंट्स होता है कि ऊपर हम जितने भी अभी पॉइंट्स लिखे हैं उसमें सभी का पूरा सारांश जो है तो संक्षेप में जो है तो इसमें समाहित होता है। सो इसको हमको और भी अट्रैक्टफुल बना के राइट करना चाहिए। तो आप जो है तो इतना राइट कर लेंगे तो वो अच्छा ही है, और अगर आप इससे भी और अच्छा बना सकते हैं तो आप उसे भी राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि इस एसे से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह के नए नए वीडियोज लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये रहेगा, जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लाऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है तो समय समय से मिलती रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।